आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने शक्ति फार्म पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सभा को संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के शक्ति फार्म आगमन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी के दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए कामों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी का सबसे पहला काम होगा कि जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाए। अभी तो सरकार ही बन दिया गया तो हमारे सारे पहले कितने बड़े नेता हमारे लिए आप दोबारा आएंगे प्रशासन होगा आपकी मानिया सिर्फ लोगों के फोन कॉल से लोग यहाँ पहुँचे हैं अभी किसी को भी एक भी सच नहीं होगा जिसको हमने लाने की व्यवस्था की। ये हमारा बहुत बड़ा भाग हमारा बहुत बड़ा भाग है कि यहाँ पर सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं और ये मेरे लिए बहुत 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 बड़े बड़ा भाग कृपया एक बार आपको खड़े हो जाइए हमारे चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय हमारे बड़े भाई दिल्ली के विधायक और उत्तराखंड के 2022 जो बदलाव की बयाद भी है जो शिक्षा में स्वास्थ्य में बाकी क्षेत्रों में जो काम हुआ है हमारा ये मानना है कि वो के न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज उत्तराखंड में भी हम आम आदमी पार्टी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रही है और लोगों को बता रही है कि इस देश की पॉलिटिक्स को अगर बदलना है तो फिर आपको शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी पलायन रोजगार ऐसे मुद्दों के साथ राजनीति करनी पड़ेगी। ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड में लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी वो सब चीज़ें हों जो कि दिल्ली में हो रही हैं। उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि पिछले एक साल में आम आदमी पार्टी ने बड़ी तेज़ी से यहाँ पर अपने जो विस्तार किया है और लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी और इस देश प्रदेश में जो एक राजनीति है वो काम की राजनीति की शुरुआत का अगला बढ़ाव प्रारंभ हो रहा है। ये मानना है कि संगठन का काम तो होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जब आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों से आप बात करते हैं आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों को जब आप उठाते हैं तो फिर एक पूरा बड़ा जनमानस आपके साथ जुड़ता है। वो जनमानस ये चाहता है कि उसकी शिक्षा बेहतर व्यवस्था मिले उसे उसको स्वास्थ्य व्यवस्था उसे बेहतर मिले तो संगठन का एक अपना रोल जरूर है लेकिन जब आप इस तरीके से देखते हैं कि लोग आपके मुद्दों के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो फिर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। और ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड में लोग हमारे मुद्दों के साथ अपने आप को अटैच फील कर रहे हैं उनके साथ अपने आप को मान रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी के रूप में उनको एक बेहतर विकल्प मिला है जो कि पिछले 20 साल से जो विकल्पहीनता की स्थिति थी और विकल्प ना होने की वजह से एक बार कांग्रेस को एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की तरह से लोग चुन रहे थे अब आम आदमी पार्टी के रूप में उन्हें बेहतर विकल्प मिल रहा है उस बेहतर विकल्प के साथ लोग जा रहे हैं और उसको अपना रहे हैं उस काम की पॉलिटिक्स को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लगता है कि संगठन के साथ साथ ये बहुत जरूरी चीज़ें जो कि इस प्रदेश में हो रही है। सर एक और सर ये मानना है कि हमने हमेशा से 3C का फॉर्मूला रखा है कोई भी करप्ट कोई भी कम्युनल कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हो सकता। जो इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा करेगा केवल वही व्यक्ति आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। जब हम कहते हैं कि ईमानदार राजनीति तो फिर करप्ट व्यक्ति नॉट को हम अपना प्रत्याशी नहीं बना सकते। फिर हम कहते हैं कि आदमी का आदमी से एक धर्म के प्रति कोई द्वेष ना हो तो फिर कम्युनल व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि राजनीति अपराधीकरण खत्म होना चाहिए तो फिर हमें क्रिमिनल व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि 3C का जो फार्मूला है ये 3C का फार्मूला ही हर कैंडिडेट को ये 3C का फार्मूले को एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और जो भी अग्नि परीक्षा का निश्चित तौर पर